वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, आज का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मान लीजिए हम आपको एक्सेल सिखा रहे हैं, हम आपको नई नई ट्रिक्स बताते हैं, काम बताते हैं, प्रोजेक्ट बताते हैं, और उस चीज़ को प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास एक फ़ाइल भी होनी चाहिए और उसी प्रकार की फ़ाइल होनी चाहिए। तो हम एक सैम्पल फाइल, यानी कि हम कहें कि एक प्रैक्टिस फाइल हम किस प्रकार से बनाएं, यदि हम वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक ना डालें प्रैक्टिस फाइल का, तो आपके पास कहाँ से आएगी। तो वैसे ही एक प्रैक्टिकल के लिए एक प्रैक्टिस फाइल हम खुद बनाएं तो मिनटों में फटाफट हम किस प्रकार से बना सकते हैं। भाई, हम भी तो बनाते हैं, जब हम आपको काम करना बताते हैं तो हम एक प्रैक्टिस के लिए फ़ाइल तो तैयार करते हैं पहले, और वो फाइल यदि हम पूरा दिन लगा दें तैयार करने में तो वीडियो कब बनेगा। तो इसलिए इस भी प्रकार की एक जल्दी से हम किस प्रकार से फाइल तैयार कर लेंगे ये सीखेंगे इस वीडियो में, तो इस मंत्र तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस के लिए डेटा काफ़ी बड़ा हो सकता है। यदि कुछ हटके डेटा हुआ, सारा यदि यूनिक डेटा होता है, तब हम वो फाइल अपलोड करा देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं उस फाइल का। लेकिन कुछ एक काम का हम लिंक नहीं डालते, वो इसलिए नहीं डालते क्योंकि उसमें डेटा कुछ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कि हमको उसको एंटर करने में टाइम लगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे डेटा एंटर कराना है। पहला तो होता है सीरियल नंबर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सीरियल नंबर के लिए हमने सिर्फ दो चीज़ें लिखी है ना, और इस प्रकार से हम इसको यूँ ड्रैग करा देंगे तो सीरियल नंबर जहाँ मर्जी तक ले सकते हैं। यदि ऐसे नहीं ले रहे हैं सीरियल नंबर, तब हमने जहाँ तक सीरियल नंबर डालने, देखो यहाँ से हमने सीरियल नंबर कहाँ तक डालने हैं, उसके लिए हम होम के अंदर ही, देखो यहाँ पर मिल रहा है आपको फिल, और फिल के अंदर चले जाएंगे सीरीज़ पे। अब हमने सीरीज़ कहाँ फिल करनी है, रो में या कॉलम में? हमने कॉलम में फिल करानी है सीरीज़, यहाँ से रखता हूँ। और स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू हमने 50 तक सीरियल नंबर डालने हैं और ओके करा देंगे। देखो ये अपने आप फिल हो गया, एक काम ख़त्म। देखो, जितना समय मेरे को वीडियो बताने में लगेगा ना, डेटा आपके पास अगर डेटा एंटर करोगे, सैम्पल डेटा बेस लोगे, तो उससे भी कम समय लगना है, बहुत कम समय लगना है। बताने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। एम्प्लॉय आईडी हम किस प्रकार से जनरेट करें, मैंने किस प्रकार से जनरेट कराई होती है एम्प्लॉय आईडी। यदि आप रियल लाइफ में एंटर करेंगे तो देखो, एम्प्लॉय आईडी या तो आप जनरेट कराएंगे या फिर आपके पास यूनिक एम्प्लॉय आईडी होंगी जिनको आपने मैनुअल एंटर करना होता है, ठीक है, रियल लाइफ में यदि डेटा होता है असली का डेटा। और यदि प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं तो हम एक टेम्परेरी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एम्प्लॉय नेम लेते हैं, है ना, एम्प्लॉय नेम सभी के अलग अलग हो सकते हैं। स्टूडेंट नेम ले रखे हैं, स्टूडेंट नेम भी सभी के अलग के होते हैं। सेल्समैन हमने ले रखे हैं तो सेल्समैन भी नाम अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे हमने अलग अलग टाइप के डेटा के ऊपर काम बताया होता है, तो नेम के अंदर हम सभी मान लेते हैं, चाहे वो स्टूडेंट नेम, एम्प्लॉय नेम, सेल्समैन नेम, है ना, कोई भी नेम होते हैं। हमने यहाँ पर नेम लेना है, मैं यहाँ पर करता हूँ सैम्पल नेम, ठीक है। ये मैंने किसी एक एम्प्लॉय का नेम डाल दिया, तो करता हूँ सैम्पल नेम 1। इसको वापस से कंट्रोल डी करेंगे और इसमें एडिट करा देंगे सैंपल नेम 2। देखो, दोनों नेम अलग हो गए, ये सैंपल नेम 1 है, सैंपल नेम 2 है, और इसको हम जहाँ तक भी लेना चाहें वहाँ तक यूँ सीधा ड्रैग करा लेंगे। देखो, ये सभी के पास अलग नेम आ गया, ठीक है। सैंपल डेटा जनरेट करने का तरीका बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ना कि एक्चुअल लाइफ का डेटा। एम्प्लॉय आईडी हमने जनरेट करानी है, तब सीधा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इक्वल लेफ्ट। किसका लेफ्ट चाहिए हमको? इसका लेफ्ट ले लेते हैं हम। इसके लेफ्ट के 3 करेक्टर उठा लिए एंड कॉन्केट कराएंगे किसको हम, एक बीच में डैश डाल देते हैं एंड हम यहाँ पे कर देंगे रो। देखो, काफ़ी बड़ी एम्प्लॉय आईडी जनरेट करेंगे हम यहाँ पे। रो हमको कौन सी चाहिए? यहाँ पे रो हमको पहली ही चाहिए, ये रो ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। रो नंबर के साथ हमने एक बार और एंड परसेंट लगा देना है और यहाँ पे हम डाल देंगे यहाँ इसके अंदर 00, ठीक है। और फिर से एंड परसेंट लगा के फिर से मैं कर देता हूँ रो का फॉर्मूला, या फिर आप इसी फॉर्मूले को कॉपी करा लें, फिर से यही रो डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे। या फिर इस रो को नहीं ले रहे हैं हम, यहाँ पे फिक्स करा देते हैं इसको, तो मैं कंप्लीट रो को हटा ही देता हूँ, ये लीजिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है अब हमको। मैं सिंपली इधर 00 के बजाय 100 करा देता हूँ, एंटर प्रेस करा दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या जनरेट होगी, आईडी सैम 1001, इसको हम लास्ट तक ले लेंगे। देखो, सभी की एम्प्लॉय आईडी अलग अलग हो गई, सबकी यूनिक हो गई, 3 डेटा आ गए, आसानी से बना लोगे। सेम टू सेम प्रोडक्ट हम डाल रहे हैं कोई भी, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आपने देखा होगा मैं यूज़ करता हूँ CD DVD, है ना,
रैम, इस प्रकार से ये सिंपल सिंपल नेम है, इतने तो आप एंटर करा ही लोगे। और इसी प्रकार से प्रोडक्ट आईडी, अभी मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जनरेट करी है, एज इट इज़ प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी। तो ये ज़्यादा बड़े नहीं है, आप 8-10 कोई भी प्रोडक्ट नेम डाल सकते हो, उतने डेटा पे प्रैक्टिस कर लेंगे। डबल सी है तो इन्हीं को हम डबल कॉपी करा लेंगे, 8-10 प्रोडक्ट ले लिए, कॉपी करके नीचे पेस्ट करा देंगे। अभी मैं जैसे यहाँ पे डालता हूँ माउस, कीबोर्ड और एक क्या रहेगा मेरा प्रिंटर, है ना, बहुत है इतने आइटम। और इन्हीं को मैं यहाँ से करा लूँ कॉपी और नीचे करा देता हूँ पेस्ट। पेस्ट, देखो डेटा बढ़ गया। इस प्रकार से हम डेटा बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही कहीं भी कंपनी नेम डाल सकते हैं। फिर आता डेट का कॉलम, यहाँ पे हमारा परचेजिंग डेट हमने डालनी है, किसी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ज्वाइनिंग डेट हमने डालनी है, तीनों का मतलब डेट ही होता है। और डेट हम किस प्रकार से लेंगे, कोई भी डेट आप डाल सकते हैं, ठीक है। और नीचे तक हम इसको फिल करा देंगे, सारी डेट अलग अलग आ गई। मंथ लेने हैं तो मंथ ले सकते हैं, यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट कराता हूँ। और यहाँ पे यदि हमने कहीं पे डेटा के अंदर मंथ डालना है, मंथ के अंदर हमको जनवरी, फरवरी, मार्च चाहिए, तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पे जैन, ठीक है। और इसको नीचे तक क्लिक कराते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च सभी ऑटोमेटिक यहाँ पे रीड कर लिया सभी का इसने। यहाँ तक तो देखोगे आपको पता होगा, इस तरह से हम ड्रैग करके ले सकते हैं। लेकिन अब हमने रेट डालने सभी के, हमने क्वांटिटी भी डालनी अलग अलग, टोटल भी कराना है, तो टोटल तो हम सीधा करा लेंगे, ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है, एंटर प्रेस करा देंगे, टोटल सभी का आ जाएगा। इसको हम नीचे तक लास्ट तक जितना डेटा हमारे पास फिल करा दिया। रेट किस प्रकार से डालें, सभी का यूनिक रेट डालना है, अलग अलग डालना है, तो हमने कहाँ से कितने तक का रेट हमारे पास हो, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे इक्वल रेंट बिटवीन। और रेंट बिटवीन के अंदर ये दो चीज़ें पूछता है, बॉटम और टॉप। बॉटम में मेरे को कम से कम 10 रुपये का रेट चाहिए और मैक्सिमम के अंदर मेरे को 500 रुपये का रेट चाहिए, है ना। इस प्रकार से आप बॉटम नंबर और टॉप नंबर दे सकते हैं यदि आपको रैंडम नंबर जनरेट कराने हैं, तो रैंडम नंबर के अनुसार ही आप यहाँ पे दोनों वैल्यू डालें। तो देखो एक रैंडम नंबर जनरेट होके आ गया, इसको हम नीचे तक फिल कराएंगे, ड्रैग करेंगे, देखो सभी अलग अलग रैंडम नंबर आ गए, क्लियर। इसको हमने सिर्फ कॉपी करा लेना है, क्यों करा लेना है, देखो यहाँ पे यदि आके मैं कुछ भी यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डेटा डाला मैंने और एंटर प्रेस करूँगा, तो देखो ये सारे रैंडम नंबर चेंज होते हैं, इनको हमने फिक्स कराना है। डिलीट करेंगे तब भी ये चेंज होंगे, तब हमने इन सभी को करना है कंट्रोल सी, कॉपी करा के इसी सेल के अंदर राइट क्लिक करेंगे, करेंगे पेस्ट स्पेशल और इसके अंदर करेंगे वैल्यू, देन ओके। तो ये फॉर्मूला यहाँ से हट गया और हमारा देखो लास्ट तक नीचे तक कितनी रो तक, 51 रो तक का डेटा एकदम से फिल हो गया, सभी के रेट आ गए। सेम टू सेम क्वांटिटी रैंड बिटवीन, और कहाँ से कहाँ तक कितनी कितनी क्वांटिटी लेंगे, भाई कम से कम 5 क्वांटिटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वांटिटी हो, या 20 क्वांटिटी ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, ठीक है। बॉटम टॉप वैल्यू डालेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे, क्वांटिटी भी आ गई, नीचे तक इसको फिल कराएंगे, कॉपी राइट क्लिक किया यहाँ पे हमने, पेस्ट स्पेशल और वैल्यू, देन ओके। सारा डेटा हमारे पास तैयार है। कोई दिक्कत आई प्रैक्टिस के लिए, यदि हमने डेटा उठाना है तो हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। कितना टाइम लगा, 10 मिनट तो तब लगे हैं जब मैंने आपको यहाँ पे बताया है एंटर करना। आप खुद से एंटर करेंगे तो मेरे ख्याल से ये पूरा डेटा एंटर कराने में, यदि आप मैनुअल भी कुछ नाम लिखना चाहें बीच बीच में, तब भी 5 से 7 मिनट से ज़्यादा आपके पास नहीं लगेंगे। और यदि एक्सेल में काम करना है तो इतनी तो आदत आपने डालनी पड़ेगी कि आप कुछ डेटा एंटर करें, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करें, क्योंकि यदि आपको प्रैक्टिस करनी है और आप मेहनत नहीं करना चाहते तो देखो आप एक्सेल में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जब मैं काम बताता हूँ, कुछ डेटा जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो मैं खुद ही उस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आपका समय उस डेटा को एंटर करने में बर्बाद ना हो। तो उम्मीद करूँगा आज के बाद शायद आपकी ये शिकायत अब नहीं रहेगी कि प्रैक्टिस फाइल हमने नहीं डाली है। ओके, तो आशा करूँगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नया अपने चैनल पर तो हम सब्सक्राइब जरूर कर दें।